राजस्थान में गहलोत सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न कांग्रेस पार्टी सादगीपूर्ण तरीके से मनाने जा रही है। जयपुर में किसी बड़ी पॉलिटिकल रैली के बजाय कांग्रेस सरकार ने 6 दिवसीय राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों का एक खाका तैयार किया है। इनमें 3 दिवसीय आयोजन राज्य स्तरीय जो कि जयपुर में होंगे और 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला जिला स्तर पर चलेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सत्रह दिसंबर को राजस्थान में गहलोत सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के मुताबिक फिजूल खर्ची वाले जश्न की बजाय सरकार सादगीपूर्ण तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहती है। इसके लिए सरकारी स्तर पर 6 दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इन कार्यक्रमों के जरिए गहलोत सरकार प्रदेश में कई अहम सौगात देने के साथ साथ नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए किसानों की समस्याओं पर मंथन तक पर काम करेगी। इसके अलावा जनाधार योजना, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति का भी लोकार्पण किया जाएगा। जनाधार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। ये भामाशाह कार्ड को रिप्लेस करके किया जा रहा है। 31 मार्च तक जनाधार कार्ड भी चलेगा और भामाशाह कार्ड भी चलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस में टाइम लगेगा। और ये राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 उसके थीम के ऊपर ये कार्यक्रम बेस्ड होगा। सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रमों का आगाज 17 दिसंबर सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। अल्बर्ट हॉल से लेकर त्रिमूर्ति सर्किल तक पर रन फॉर निरोगी राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। 17 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जवाहर कला केंद्र पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषक कल्याण कोष का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का भी विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। 18 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाल्मीकि नगर में जनता क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में निरोगी राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक दुर्गापुरा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में इंदिरा महिला शक्ति योजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। 19 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक बिरला ऑडिटोरियम में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस कॉन्क्लेव में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का लोकार्पण किया जाएगा। एमएसएमई अवार्ड समारोह और एक्सपोर्ट अवार्ड समारोह का भी आयोजन होगा। शाम 4:30 बजे एमएनआईटी जयपुर में राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे राजस्थान में 17 दिसंबर से प्रारंभ होंगे। 17 दिसंबर को 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रन फॉर निरोगी राजस्थान, ये अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर त्रिमूर्ति सर्किल तक जाएगी दौड़ और वापस भी वहीं लौट के आएगी। मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजन की कमान चिकित्सा मंत्री अनुग शर्मा को सौंपी है। इन आयोजन के जरिए सरकार जहां जनता के सामने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है, वहीं इन 6 दिनों के जरिए अपने आने वाले 1 साल का भी खाका पेश करने की कोशिश करेगी। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।